नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर महानगर पुलिस ने अपहरण कर फिरौती मांगने वाले चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ समय पूर्व थाना गोविंद नगर में अनुराग द्विवेदी ने अपना अपहरण कर 15 लाख रुपए फिरौती दिए जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस द्वारा जांच किए जाने पर अभियुक्तों की शिनाख्त हो गई, जिस पर थाना गोविंद नगर पुलिस ने दादा नगर फैक्ट्री एरिया से फैक्ट्री नंबर 5 से मुखबिर की निशानदेही पर चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से लूटे गए 11 लाख रुपए नकद, 4 लैपटॉप, 1 बोलेरो कार और 5 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार अनुराग द्विवेदी के ऑफिस में काम करने वाले आशुतोष तिवारी उर्फ अन्नू ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपहरण की साजिश रची थी। अन्नू ने ही अनुराग द्विवेदी की लोकेशन अपने साथियों को दी थी, जिससे उनका अपहरण किया गया था। कि उसका विगत रात को उसके ही ऑफिस से उसके सहकर्मियों साथ अपहरण कर लिया गया था। कुछ लोग उसके ऑफिस में आए थे और वहाँ से उसको कुछ 3 लोगों के साथ उठाकर ले गए थे। साथ में वहाँ से वो उसके लैपटॉप, मोबाइल एक्सेट्रा भी ले गए थे। एक बोलेरो गाड़ी के माध्यम से ये लोग इसको ले गए थे और फिर काफ़ी घुमाने फिराने के बाद फोर्सफुली वो लोग उनको वहाँ से अबडक्ट करके ले गए थे। और काफ़ी घुमाने फिराने के बाद इनसे उन्होंने फिरौती मांगी थी, जिसके अंदर इसके भाई ने 15 लाख रुपये